भारतीय किसान यूनियन किसान राज ने जनपद हापुड़ के गांव काकड़ी में स्थित की शाखा में मैनेजर न होने व किसानों के कार्य लगभग 2 महीने से लंबित होने व ब्रांच के पदाधिकारियों द्वारा किसानों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण भाकियों किसान राज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित यतेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ गांव काकोड़ी पहुंचे व धरना पर बैठ गए और बैंक कर्मचारियों को बंधक बना अपने बीच बैठा लिया। इसी दौरान जीएम द्वारा फोन वार्ता पर हुई, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि ब्रांच में नितेश जी को कार्यवाहक मैनेजर का लेटर आज ही जारी किया जाता है और जब तक कोई मैनेजर नहीं आता तब तक सभी कार्य में ही करेंगे। और इस अवसर पर महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता शर्मा, मोनू, अमित प्रधान जी आदि सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए हापुड़ से राजेंद्र सिंह के साथ प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। ये है जनपद हापुड़ में सिकंदरपुर काकोड़ी गांव पर, यहाँ इलाहाबाद बैंक की शाखा है ये। यहाँ मैनेजर यहाँ से ट्रांसफर हो गया 31 तारीख को और आज तक कोई नहीं आया है। और जो भी हमारे किसानों के कार्य हैं, किसी चीजें जमा करना है, उसको वापस निकालना है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सब कार्य उलझे पड़े हैं और जैसे ही किसान यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और गलत भाषा का उनसे प्रयोग किया जाता है, अभद्रता की जाती है कर्मचारियों द्वारा, जिसके विरोध में आकर आज यहाँ बैठे हैं और अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं। तो किसान यूनियन और लोक दल द्वारा मिश्रित, हाँ, हमारे लोक दल के जिलाध्यक्ष जी हैं, रविंद्र प्रधान जी साथ में हैं, हम संयुक्त रूप से यहाँ बैठे। तो कितने घंटे ये धरना दिया गया, क्या आश्वासन मिला? हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया है यहाँ। हमें अभी आश्वासन मिला है, उन्होंने फोन द्वारा बात कराई है अपने जेडम से, वो कह रहे हैं कि जो जूनियर हैं नितिन जी, इनको कार्यभार हम सौंप देंगे, तब तक मैनेजर आता है ये कार्य करेंगे।